क्या बचपन में आपने ये गेम खेला है? मैं तो इस गेम को बहुत खेला है और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान किया था, क्योंकि ये ईजीली जाती नहीं है जहाँ उन्हें जाना चाहिए। तो ये जो गाड़ी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गाड़ी नहीं है, एक रिमोट है, और मैं कह रहा क्या हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन यार ये गेम खेलते खेलते मैं थोड़ा सा पागल हो चुका हूँ। तो ये गेम खेलते खेलते मैं बहुत पागल हो चुका हूँ, और ये रिमोट कंट्रोल में ऐसी क्या चीज़ें हैं मुझे भी नहीं पता है। एक ही एंगल चल रहा है, एडिटिंग कैसी हुई है इतनी स्लो, लेकिन मुझे कमेंट्री कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा और ये गेम आपको बताना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये एक नोकिया का मोबाइल है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है नोक्टा। इसके कोई भी बटन दबते नहीं है, सिर्फ दो बटन दबते हैं, एक राइट वाला बटन और एक लेफ्ट वाला बटन। और यहाँ पे फोकस क्यों नहीं है भाई, फोकस में रहना सीखो। तो ज़िंदगी आगे धीरे धीरे जा रही है, वैसे ही धीरे धीरे हम इस गेम को भी खेल के आपको बताएंगे। मैंने अपने दोस्त को बोला कि इस गेम को तू खेल और इसको सारी रिंग्स डाल के बता, तो उसने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने छुपके से देख लिया कि ये जो गेम है वो मेड इन चाइना है, और इस गेम में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। इसमें है कुछ प्लास्टिक, कुछ अंदर मुझे लगता है कि शायद से है पानी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पानी है या फिर कोई अलग तत्व या फिर कोई और अलग द्रव्य है, यानी कि लिक्विड, मुझे नहीं पता। और शायद से वो धीरे धीरे कम भी हो रहा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ वहाँ पे। लेकिन पीछे एक बुच है, उसमें आप और द्रव्य या फिर पानी भर सकते हैं शायद से, लेकिन ऐसा करने के बाद आपका ये रिमोट कंट्रोल ख़राब भी हो सकता है। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया, इसमें सिर्फ दो ही बटन है और ये नकली कीपैड है जो कि कुछ काम का फ़िलहाल तो है नहीं। तो मस्त सा कीपैड है, चल रहा है ज़िंदगी में, आगे पीछे ये लोग ने कुछ ना कुछ डाल के दिखाने की कोशिश की है। तो नोक्टा F71, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। और ये बबल इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे मस्त ग्रिप है, और इतनी भी अच्छी ग्रिप नहीं है, लेकिन आप अच्छे से उसको पकड़ सकते हैं, वैसी ग्रिप है। और ये गेम हमने शुरू कर दिया है, और एक्चुअली इस गेम को खेलने की कोई तो ट्रिक है, लेकिन मुझे अभी तक ठीक से नहीं पता कि उस गेम को खेलने की क्या ट्रिक है, इसलिए मैं उस ट्रिक को आज तक आजमा नहीं पाया हूँ, और मैं आज तक शायद कभी सारी चीज़ों को एक साथ अंदर डाल भी नहीं पाया हूँ। तो ये धीरे धीरे हम गेम खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक तो चले जाए। धीरे धीरे मेरा दोस्त, नहीं एक्चुअली ये मैं खुद खेल रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, मैंने इसको इसके अंदर डालने की कोशिश की और एक भी चीज़ अंदर नहीं जा रही थी। फाइनली एक चीज़ अंदर गई, फिर मैंने उस सारी रिंग्स को एक कोने में लेके आया और फिर मैंने ट्रिक आजमानी शुरू कर दी, क्योंकि गेम खेलते खेलते बचपन की यादें मुझे वापस से आने लगी और मैं खुद को बताने लगी कि होती कैसी चीज़ें हैं। तो देखिए, ये धीरे धीरे खेलने वाला गेम है। इस गेम में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं और ये आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। ये कैमरा इतना क्यों हिल रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी वो हिल रहा था, इसके लिए हमने उसको हिलने दिया। तो मैंने मेरे दोस्त को वो टेक्निक बताई जो मैंने सीखा था, और सारी गोटियों को एक साइड में लेके जाना है, यानी कि सारी रिंग्स को, और फिर आपको धीरे धीरे एक एक करके अंदर उसके डालनी है। और ये बहुत ही मुश्किल सा टास्क है, और आप इसको खेलते खेलते इतना गुस्सा भी हो सकते हो कि आप इसको तोड़ के फेंक दो, लेकिन ज़िंदगी में अगर आप गुस्सा करोगे और चीज़ें तोड़ोगे तो कुछ आपको मिलने वाला है नहीं, जो चीज़ें आपके पास है वो भी आपसे दूर चले जाएंगी। तो देखिए, पेशेंस रखने के बाद मेरे दोस्त ने फाइनली ये सब चीज़ों को उसके अंदर डाला, और वो दूसरी चीज़ डालने की कोशिश कर रहा था, और वो दूसरी चीज़ें डालने के चक्कर में उसने थोड़ा सा मोबाइल को बाद में हिला दिया था, उसके वजह से सारी चीज़ें बाहर निकलने शुरू हो गई, और उसके बाद उसको आ गया गुस्सा, और फिर उसने ये सब खेलना ही बंद कर दिया, और ये वीडियो भी हमारा उस चीज़ की वजह से बंद हो गया। क्योंकि ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है, पता नहीं कैसी ही है, जिसको जीनी है ज़िंदगी बस वैसी ही है। तो चलिए, इस गेम को अगर आप लेके खेलना चाहते हैं तो आप लेके खेलिए, आपके छोटे बच्चों को या फिर भाई बहन को या जिसको चाहिए उसको दे दीजिए। अगर आपको पेशेंस बढ़ाना है तो ये गेम आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो आप इसको ले लीजिए। बाय।